हेलो गाइस, कैसे हो आप एंड वेलकम टू दी पार्ट 13 ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज का हमारा एग्जांपल है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मतलब अगर हमें एक नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उस नंबर के डिजिट्स की एडिशन कर लो, मतलब अगर मैं नंबर दिया जाए 3, 4, 2 और अगर मुझे कहा जाए कि इस नंबर के डिजिट्स की एडिशन कर लो, मतलब 3 + 4 + 2 कर लो इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा और उसका फ्लोचार्ट क्या होगा। सो पहले हम देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं इस 342 को मोड कर दूँगा 10 से, मतलब मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा 10 से, तो बन जाएगा 2। उसके बाद मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा 10 से, उसका आंसर आ जाएगा 32। और उसके बाद मैं इस 34 को मॉड कर दूंगा फिर से 10 से, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। उसके बाद फिर से मैं इस 34 को डिवाइड कर दूंगा 10 से और वो बन जाएगा 3। और मैं इस 3 को मॉड कर दूंगा 10 से और इसका रिमाइंडर बन जाएगा 3। और उसके बाद मैं इन तीनों की कर दूंगा एडिशन, वो बन जाएगी हमारी 9। सो ये है हमारा लॉजिक। अब हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या होगा। सो द स्टेप फर्स्ट इज एज यूजुअल, जैसे कि हमें पता है वो है स्टार्ट। द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्ट कर लो नंबर अपने यूजर से जिसके डिजिट्स के हमें एडिशन करनी है। सो एक्सेप्ट नंबर दैट इज नम। एंड द थर्ड स्टेप इज अपने सम को कर लो इनिशियलाइज, सम इज इक्वल टू 0। द फोर्थ स्टेप इज रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10। मतलब पहले तो हम कब फाइंड कर लेंगे रिमाइंडर। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम में हमारे एक एक रिमाइंडर को ऐड करते चलेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज नम इज इक्वल टू नम मॉड सॉरी नम डिवाइडेड बाई 10, जो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अब हमें चेक करना होगा कि हमारा करंट नंबर जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। सो द फिफ्थ स्टेप इज इफ नम ग्रेटर देन 0 देन गो टू स्टेप 4, अदरवाइज गो टू स्टेप 6, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। एंड अब ये 6 स्टेप क्या होगी, अब हमने एडिशन तो कर ली इन रिमाइंडर्स की, सो हमें अभी से डिस्प्ले करना होगा। सो द 6 स्टेप इज डिस्प्ले सम दैट इज सम। एंड द लास्ट स्टेप इज एज यूजुअल स्टॉप। सो गाइस, अब हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो मैंने एक नंबर ले लिया 2, 4, 3, तो मैंने इस 2, 4, 3 को मॉड कर दिया 10 से, मतलब मैंने इसका रिमाइंडर निकाल लिया 10 से, सो वो आ जाएगा 3। अब मैंने इस सम को मतलब सम में ऐड कर दिया रिमाइंडर को, सम प्लस रिमाइंडर मतलब 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अब मेरी सम की वैल्यू जो है वो है 3। और उसके बाद मैंने इस नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से, सो इसका आंसर आ जाएगा 24। अब मैं चेक करूंगा कि 24 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, तो मैं जाऊंगा मेरी स्टेप फोर्थ की तरफ। मेरी फोर्थ स्टेप क्या होगी, 24 मोड 10, सो इसका आंसर आएगा 4। अब मेरी सम की वैल्यू जो है वो है 3 और मेरी अब मेरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या है वो है 4, तो मेरी सम हो जाएगी अब 7। अब मैं इस 24 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब मैं चेक करूंगा 2 इज ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, तो मैं फिर से जाऊंगा मेरे स्टेप फोर्थ की तरफ और फिर मैं 2 mod 10 करूंगा, मतलब उसका रिमाइंडर निकालूंगा, उसका आंसर होगा 2। अब मेरी सम की वैल्यू जो है वो है 7 एंड मेरी रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो है 2 और अब मेरी सम की वैल्यू जो है वो है 9।
उसके बाद में इस 2 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए, अब जो मेरा जो 0 है वो बोगर देन 0 है, बिल्कुल नहीं, तो मैं जाऊंगा मेरे स्टेप 6 की तरफ। सो मैं सम के लिए अभी क्या है 9, तो मैं डिस्प्ले करूंगा सम, दैट इज सम, मतलब इसका आंसर होगा 9। नाउ गाइस, अब हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या होगा। सो द स्टेप फर्स्ट इज स्टार्ट एज यूजुअल। मैंने कई बार बताया है कि हमारा फ्लो चार्ट जो है वो बनता है हमारे एल्गोरिथम के ऊपर से। सो द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्ट नंबर दैट इज नम, मतलब एक नंबर एक्सेप्ट कर लो अपने यूजर से जिसकी हमें डिजिट्स की एडिशन करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज अपनी सम को कर लो इनिशियलाइज, सो सम इज इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, एंड नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। ये जो यहाँ पे पूरे जो 4 स्टेप है वो मैंने लिख ली है इस ब्लॉक में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। सो इफ नम इज ग्रेटर देन 0 देन गो टू स्टेप 4th, अगर ये कंडीशन रही ट्रू तो, और अगर ये कंडीशन रही फॉल्स देन डिस्प्ले सम, दैट इज सम, मतलब हम डिस्प्ले करेंगे एडिशन जो हमने फाइंड किया अभी। एंड द लास्ट स्टेप इज एज यूजुअल स्टॉप, यहाँ पे होता है हमारा आज का एल्गोरिथम खत्म। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।